दूध का दूध पानी का पानी होता है इस बात से, और ये सिद्ध होता है कि कैसे 2010 से ही शुरू करके कांग्रेस पार्टी, और हम सभी जानते हैं कि उस समय गांधी परिवार पूरा कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार पे हावी था, जो भी निर्णय होते थे वो 10 जनपद से होते थे, और उन्हीं के कहने पे प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने स्वयं पत्रकारों को एयरफोर्स वन जहाज के ऊपर बताया कि वो प्राइवेट एयरलाइन को बेल आउट करना चाहते हैं। किंगफिशर के बारे में उनको चिंता थी क्योंकि प्राइवेट एयरलाइन उस समय तकलीफ में सिर्फ किंगफिशर थी। व्यायावल रवि जो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे उस समय, वो दो टूक बात कर रहे हैं कि किंगफिशर के बारे में चिंता है, उसको किसी ना किसी तरीके से समस्या से निकालना है। दो टूक बात स्पष्ट होती है कि 2010 से ही जब उन्होंने सभी कायदे कानून तोड़ के बैंक और रिजर्व बैंक की सहायता से स्पेशल रिलैक्सेशन देके रिस्ट्रक्चरिंग किया, और वो भी कंपनी स्पेसिफिक डायरेक्शन देके कि इस किंगफिशर एयरलाइंस के लिए ये सब छूट और माफ किए जाए मापदंड, जिन लोगों ने पैसा लुटाया आज जब कटघरे में खड़े हो रहे हैं, जब पर्दाफाश हो रहा है, जब स्वयं बड़े बड़े अधिकारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी में जाके बता रहे हैं कि जितने उस समय के पाप थे वो आज मोदी सरकार साफ कर रही है, उसका खुलासा कर रही है, उनको मजबूर कर रही है कानून के सामने पेश होने में, ये सिद्ध होता है कि ये साजिश कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेता, उस समय के प्रधानमंत्री, सिविल एविएशन मिनिस्टर, सभी की मिली भगत थी कि कैसे किंगफिशर को बचाया जाए। बार बार उनको और लोन दिए जाते थे। आज सुबह मेरे मित्र संबित पात्रा ने बताया कैसे एयरलाइन के मालिक माननीय प्रधानमंत्री उस समय के श्री मनमोहन सिंह जी को अक्टूबर 2011 में पत्र भी लिख के धन्यवाद करते हैं कि आपकी मदद से मेरा काम चल रहा है और मुझे अब थोड़ी और मदद चाहिए, और उसके तहत बैंक को मजबूर किया जाता है, रिजर्व बैंक को फिर एक बार अप्रोच करने के लिए कि कुछ और राहत दी जाए किंगफिशर एयरलाइंस को। तो मैं समझता हूं जिस परिवार और पार्टी ने देश का पैसा लुटाया उसको हम जब रिकवरी करने जा रहे हैं, और उनके लिंक सब गांधी परिवार से एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, तो वो झूठ बोलने के ऊपर अपना डिफेंस क्रिएट कर रहे हैं। This shows the propensity with which they can lie to cover up their sins. और मैं समझता हूं कि बहुत स्पष्ट है, जैसा माननीय अरुण जी ने बताया कि he tried to talk to श्री जेटली who snubbed him, और जब उनको सिद्ध हो गया कि तो जो हम बात कर रहे थे वो झूठी है, तो एक किसी को खड़ा कर दिया ये बोलने के लिए कि वो मैंने सुनी थी बात। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि वो बैठ के वहां ईव्सड्रॉप कर रहे थे, कहां से उन्होंने कहानी बनाई, कहां से विषय निकला, और 2 साल 2.5 साल बाद आज उनको सडनली याद आता है। और उसके बाद जब संबित पात्रा जी इतने सारे प्रश्न पूछते हैं, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, प्रधानमंत्री को लिखे विजय माल्या के खत के बारे में एक का भी जवाब नहीं देते हैं, और गोबेल्स थियरी की तरह झूठ के ऊपर झूठ रिपीट करते जाते हैं। एक फेवर बता दें जो इस सरकार ने कभी विजय मल्या को लोन दिया हो या लोन रिकवरी में कोई कमी करी हो, लेकिन सिर्फ झूठ के पुलंदे एक के बाद एक देने के अलावा उनके पास और कोई मार्ग नहीं है। मैं समझता हूं कि ये राहुल गांधी और विजय मल्या जी की जुगलबंदी है झूठ क्रिएट करने की, क्योंकि झूठ का कोई सिर पैर नहीं होता, वो झूठ बढ़ नहीं पा रहा है, इसलिए उसको वो रिपीट करते रहे। और
और मेरा मानना है कि राहुल गांधी स्पष्टीकरण करें कि उनके परिवार का और उनके सरकार का क्या नाता था किंगफिशर एयरलाइंस के साथ, क्यों बार बार उनको लोन दिए जाते थे, क्या बैंकों पे दबाव डाला जाता था केंद्र सरकार द्वारा कांग्रेस की, क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर इतना प्रेशर आया कि जो एप्लीकेशन रिजर्व बैंक में अगस्त 2010 में की गई उसका इतनी जल्दी निर्णय 27 अगस्त 2010 को निर्णय हो जाता है 18 अगस्त 2010 की चिट्ठी का। मैं समझता हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो भी लोग कवर करते हैं और जानकारी रखते हैं वो भली भांति जानते हैं कि 18 अगस्त को कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम लेके बैंक लिखते हैं, 27 अगस्त 2010 को वो रिजॉल्व हो जाता है, रिजर्व बैंक सब छूट दे देती है और कायदे कानून रिलैक्स कर देती है। इसके पीछे कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि कौन था, किसने इसको फैसिलिटेट किया, गांधी परिवार का इसमें क्या रोल था, दिल्ली में से किसने उनको फोन किया। और जब बीजेपी और हमारी सरकार कांग्रेस को कटघरे में रख पा रही है तो जवाब देने के बदले एक ही झूठ को फिर फिर रिपीट करके मैं समझता हूं बेबुनियादी बातें करने के अलावा आज कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। धन्यवाद। एक मिनट विकास भदौरिया, एक मिनट विकास भदौरिया।